निकालिए। सो निकलने वाला है। ओ सोना का है ना? यस। अरे बाप रे, कितने का है ये? 1 करोड़ का। इधर हीरा मोती का है, आप देखेंगे? अभी हीरा तो देखते हैं, हीरा भी कम। अरे बाप रे बाप। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सभी को स्वागत है फिर से दीपक महेश्वरी ब्लॉग्स में। उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे। सो देख सकते हैं अभी हम लोग फिर से हमेशा की तरह छत आए हैं और छत में धूप है। तो आप लोग एक चीज़, तो सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ दिखाते हैं। फिर लोग एक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सैड थे, काफ़ी दिन से कमेंट भी कर रहे थे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। सो क्या हुआ था, अभी कैसा है, क्या है, वो दिखाते पहले। रुके दिखाते पहले आप लोगों को। गाइज, आप लोगों की दुआ से इनका पूरा एकदम आँख वाला ठीक हो गया। देखिए ठीक हो गया है सारा, इस यहाँ से निकल भी गया और ये धीरे धीरे सूख भी रहा है और हमेशा की तरह जैसे मेरा नॉर्मल आइस था वैसे हो जाएगा। पहले क्या था ना कि फूल गया था साइड में, अभी पूरा बहुत गंदा दिख रहा था, बहुत गंदा दिख रहा था और उसके अंदर में था जो चीज़ रहता है ना, खिला पका हुआ वो था, तो वो ना पहले से जम गया था। तो हम उसको निकालने का कोशिश कर रहे थे, निकल ही नहीं रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि अब उसे जोर 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 से चिपने लगे, तो हमको लगता है वो खिला जो था ना वो फूट गया होगा अंदर में, पूरा इधर उधर हो गया और उसी के कारण फिर फूलने लग गया। फूलने के बाद में फिर पका, फिर निकाल दिए। फिर आप लोग का प्यार और दुआ की वजह से, प्रे की वजह से आज मेरा आँख ठीक हो गया। काफ़ी लोग परेशान थे, इनसे ज़्यादा तो इनका जो सब्सक्राइबर है, जो इनसे प्यार करते हैं, वो लोग ज़्यादा परेशान थे कि दीदी का आँख को क्या हो गया है, ठीक हो जाए जल्दी जल्दी बोल रहे थे। तो देखिए आप लोगों की दीदी का आँख मस्त हो गया, ठीक हो गया। वो पेन भी नहीं करता है, दर्द भी नहीं होता, अभी इसको चिप भी देंगे। और काफ़ी लोग बोल रहे थे गाइस कि इनका जो आँख में हुआ है वो किसी चीज़ को छी कर दी होगी इसलिए ऐसा हुआ है। हमको तो नहीं पता यार, किसी चीज़ को छी छी ऐसे करने से होता है कि क्या होता है। डॉगी का और बिल्ली का जो लेटरिंग रहता है उसको हम बहुत ज्यादा छी छी करते हैं, इसीलिए मेरा ऐसा होता है। ओह, ऐसा भी होता है क्या? हाँ। वैसे गाइस, हम आलू और बैगन का सब्जी तो खाते नहीं है, लेकिन ये बनाई है ना तो फिर थोड़ा अलग ही टाइप का, पता नहीं सबका हाथ का अलग अलग जादू होता है ना, तो इनका थोड़ा मस्त लग रहा है। ज्यादा खुश मत हो, आराम ठीक हो गया ना। आप वीडियो बना सकते है ना? हाँ, दिखेगा। लेकिन एक बात है की मेरा यहाँ का ना बाल ना खत्म हो गया हल्का हल्का। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए, काफी लोग बोल रहे हैं आप लोग का सॉन्ग कब आएगा, इतना दिन हो गया अभी तक सॉन्ग नहीं आ रहा है। सो आप लोगों को बता दें, सॉन्ग हम लोग को मिल गया है, रेडी है सॉन्ग और हम लोग उस पर डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी कुछ दिन में हम लोग का कम्प्लीट हो जाएगा, सारा बात हो चुका है, उसके बाद फिर शूटिंग हो जाएगा, फिर जल्दी आ जाएगा सॉन्ग, ज्यादा देर वेट नहीं कराएंगे। सो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लो, 1 महीने के अंदर में आ जाएगा। चैनल पे जुड़े रहना, जाना नहीं कहीं छोड़ के, सॉन्ग आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, थोड़ा सा और इंतजार करिए। 1 महीने के अंदर में आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, तो फुल महीना भी नहीं लगेगा, 2 सप्ताह के बीच में ही आ जाएगा। और फुल सपोर्ट चाहिए हम लोगों को उस सॉन्ग पे, फुल सपोर्ट चाहिए वो सॉन्ग पे। लेकिन हम आप लोगों को हम बोल देते हैं पहले, देखिए अगर यहाँ हमको फर्स्ट सॉन्ग में हमको सपोर्ट नहीं मिला तो सेकंड सॉन्ग हम बिल्कुल नहीं निकालेंगे और हम YouTube छोड़ के चले जाएंगे। देखिए सॉन्ग मस्त है, सॉन्ग मस्त है, मस्त है। पापा का शौक है कि एक सिंगर बने हम, तो हम चाहते हैं कि पापा का जो शौक है उनको सिंगर बनने का बचपन से ही शौक था, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम के कारण वो सिंगर नहीं बन पाए। तो हम दोनों ने सोचे हैं, हम दोनों ने मिलके कि पापा को हम लोग सिंगर बना के रहेंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, पूरा फुल सपोर्ट ताकि हम लोग पापा को सिंगर बना सके। और एक हम लोग का सपना है कि एक यूट्यूबर बने, बड़ा यूट्यूबर, अच्छा यूट्यूबर और सबका मदद करे, तो आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। हम लोग का भी सपना पूरा हो जाएगा, पापा का भी सपना पूरा हो जाएगा, पूरा फैमिली खुश रहेगा। और आप लोग क्या चाहते हैं कि फैमिली खुश रहे कि सैडी सैडी रहे? आप लोग तो चाहते हैं कि पूरा फैमिली खुश रहे, तो आप लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा। और गाना तो गाइस, खाना वाना खा के पूरा एकदम पेट भर गया, अभी धूप में आराम से बैठे हैं। तो अभी थोड़ा देर पहले नीचे गए थे, उसके बाद नीचे से अभी फिर ऊपर आ गए हैं। तो नीचे से कुछ कुछ सामान लेकर के आई है पागल। निकालिए। सो निकलने वाला है। ओ ओ बाप रे बाप, इतना सारा हीरा जवाहरात। गिर गया है, हीरा है, चांदी है, सोना है सब। इधर देखिए गाइस, यहाँ पे इतना सारा चांदी का पूरा एकदम, ये देखिए, और इधर सोना का चूड़ी। ओ सोना का है ना? यस। अरे बाप रे, कितने का है ये? 1 करोड़ का है। बाप रे बाप। इधर हीरा मोती का है, आप देखेंगे? अभी हीरा तो देखते हैं, हीरा भी कम। अरे बाप रे बाप।
हीरा है ये सब, देख रहे हैं ना, रानी का पूरा हार वार सारा कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। हम रानी है, हम रानी है। तो गाइस काफी लोग सोच रहे होंगे अचानक से इनको हो क्या गया है, ये उस समय का ये सब क्यों दिखा रही है, सब हमको भी नहीं पता गाइस इनका दिमाग में क्या चलता है, कब क्या होता है मन में, अचानक से ये सब लेकर के आ गए। ये मेरा मांग टीका है, देखिए ये मेरा मांग टीका है और ये मेरा कान का है, देखिए ये रहा मेरा कान का, कैसा है कमेंट में सब बताइए। सोना का है और इसमें देख सकते हैं पूरा हीरा। और ये रहा मेरा नथुनी, नथुनी ऐसे लगाने वाला जो कि हम शादी टाइम सारा सेट पहने थे। मंगलसूत्र, ये रहा मंगलसूत्र, लेकिन मंगलसूत्र का एक जो कड़ी होता है वो कड़ी ना छूट गया है, उसके कारण हम नहीं पहनते हैं। देखिए एक कड़ी जो है छूट गया है, इसको हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा चांदी का मंगलसूत्र, ये मजाक नहीं है, ये रियल चांदी है। और ये रहा मेरा रियल पायल चांदी का है। और ये रहा मेरा बिछिया पैर में पहनने वाला चांदी का है। और इधर देखिए इतना सारा, ये सोना चांदी नहीं है, ये नॉर्मल है। थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, हम आप लोगों को सेट करके दिखाएंगे। और सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ये वाला माला मेरे लिए जगन्नाथपुर से खरीद दिए थे, है ना आप। देखिए ये वाला माला हमको जगन्नाथपुर में खरीद दिए थे, जगन्नाथ मेला में, यहाँ रथ मेला में खरीद दिए थे। और इसका कान का ऐसे है, देखिए हमको लगा ये नदी किनारे वाला सीपी है, नहीं है। देखिए ये रहा कान का, ये रहा माला। तो आप लोग जरूर इसको एक दिन भी नहीं पहनेंगे, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि कैसा है, ठीक है। हो गया। तो गाइस देखिए हम इधर सजा दिए हैं। और ये चूड़ी आप लोग देख रहे हैं ना, ये मेरा रोका टाइम का चूड़ी है जो कि पुराना हो गया, कलर उतर गया इसका। रोका टाइम का चूड़ी है, कलर उतर गया। और ये चूड़ी देख रहे हैं ना, ये चूड़ी को हमको मम्मी बर्थडे गिफ्ट दी है, 2 साल हो गई है चूड़ी को, उसको हम संभाल के रखे हैं, है ना, दी थी। ये लोग ड्यूटी गई थी मम्मी और उधर ही से आ रही थी, उस टाइम ये वाला ले दी थी। और ये चूड़ी है जब मेरा फर्स्ट शादी हुआ, फिर उसके बाद आता है ना ले जाने लड़की को, उस टाइम गए थे लेके गया था मेरा ससुराल से नैहर, उस टाइम हमको मम्मी इसको पहना के भेजी थी जो कि सोना का है। नहीं है सोना का। और एक चीज दिखाए, दिखा कुछ छुपा रही है वहाँ। बहुत देर से सजा के रखी है, देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। हमको तो सारा अच्छा लग रहा है, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है आप लोग बताइएगा, ठीक है। हमको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है ना ये वाला, क्योंकि ना अगर हम चूड़ी लेने और ये लग वाला जाए ना, हम अगर चूड़ी लेने लग जाए ना तो मेरे पास ना बचेगा ही नहीं रखने के लिए जगह, इतना ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन हमको इतना मन नहीं करता है, इसीलिए मैचिंग कुछ कुछ लिए थे, इसीलिए है अभी। और ये सब पुराना हो गया तो हम घर में यही सब चूड़ी पहनते हैं, पुराना, और कहीं जाने आने टाइम बोलेंगे तो हम नया चूड़ी पहनते हैं। अभी देखिए पहन रहे हैं रोका वाला चूड़ी। और सबसे पहले आप लोगों को इधर दिखा दें, इधर दिखाइए मंगटी का दुगमाला, ये दोनों हाथ वाला, ये दोनों कान वाला, और ये है बेचने के लिए रखे हैं कमर वाला। ये कितने का है मैडम? हम नहीं देंगे, ये मेरा हमेशा हम संभाल के रखेंगे, क्योंकि हम जिससे प्यार किए उसी से मेरा शादी हुआ, तो हमको बहुत खुशी होता है। और हम बहुत खुशी से हम लिए थे कि हमको मेकअप करते हुए ये इसमें देखेंगे तो क्या सोचेंगे, बोल के हम 3-4 को दुकान में घूमे फिर लिए, तो हमको यही पसंद आया तो हम ले लिए। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ये टकलू के लिए हम लिए थे ये वाला कि हम पहन के निकलेंगे, तो इसका इनका रिएक्शन क्या होता है। लेकिन पहन के निकले ना तो ये ना पूरा खुश हो गए थे शादी मंडप में। और मेरा इतना सारा चीज है, बस एक बात है, हमें ये सब श्रृंगार नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं वीडियो बनाने टाइम। और एक चीज़ आप लोग सोचते होंगे ना कि भाभी कितना मेकअप करती होगी, दीदी कितना मेकअप करती होगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। देखिए मेरा मेकअप का सामान देख के आप लोग हंसने लग जाएंगे, पता है, क्योंकि हम ना चेहरा में ना बिल्कुल भी कुछ यूज़ नहीं करते, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते। एक होता है मेरा वाइट वाला जोए, जो कि बस हम ना हाथ धोवा के क्रीम लगाते हैं नॉर्मल सा, वही केवल। फिर एक मेरा सबसे कीमती सिंगार है, वो है ये सिंदूर। उसके बाद मेरा ये बिंदी रहता है, बिंदी, फिर ये लिपस्टिक, बस इतना ही सारा लिपस्टिक, और कभी कभी आईलाइनर लगा लेते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ यही मेरा रहता है। और हम कोई भी चीज़ यूज नहीं करते हैं और ना ही मेकअप करते हैं। आप चाहे तो सामने से भी देख सकते हैं मेरा चेहरा, आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा, ये सिवाय इसका चमकेगा बस इसको लगा के।
हम कुछ नहीं लगा, पाउडर अभी भी चमक रहा है, पाउडर नहीं लगाते हैं, उसके बाद मस्कारा नहीं लगाते हैं, कभी कभी आईलाइनर नहीं लगाते हैं। मेरा आईब्रो भी बनाया हुआ नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, हम बनाते नहीं है। उसके बाद चेहरा में ना नाइट क्रीम लगाते हैं और ना ही कोई भी क्रीम यूज़ ही नहीं करते हैं हम, हाथ पैर चेहरा मेरा, बस मेरा सिर्फ है सिंदूर टिकली और लिपस्टिक, सिर्फ तीन ही चीज़ रहता है मेरा। तो गाइस इनका सारा श्रृंगार सब सारा खजाना हम नीचे रख दिए हैं, अब इनका पता नहीं और क्या करने का मन कर रहे हैं इनको, क्या हो रहा है, क्या बनाएंगे। कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और इसमें हम डाल रहे हैं चीनी। चीनी डालने के बाद में, अच्छा चीनी डालने के बाद में बस दो चम्मच जैसा पानी दीजिएगा, ठीक है, बस दो चम्मच जैसा पानी दीजिएगा और इसे अच्छे से चलाइएगा, चलाते रहिएगा, ठीक है। इधर देख सकते हैं गाइस चीनी पिघल, मेल्ट होने लगा है पूरा धीरे धीरे चीनी, इसे हम लोग को अच्छे से मेल्ट करना है। देखिए गाइस पूरा मेल्ट हो गया है और साइड साइड से ना जलने, मतलब साइड साइड से जमने जैसा हो गया है, तो हम लोग को इधर बेकिंग सोडा डालना है, थोड़ा ही से डालना है हाथ में पूरा करके ऐसे, फिर इसको हिलाने से चलाते रहना है। बोले अब मम्मी को लाने का टाइम हो रहा है, जाइए आप ले गई मम्मी को लाने का टाइम हो रहा है, आप लोग फिर से देख लीजिए हमारा बतासा काम चलाओ बतासा जो कि इनके द्वारा बनाया गया है। सो गाइस बतासा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, फर्स्ट टाइम बनाई है, फर्स्ट टाइम बनाई, अगर अच्छा बनेगा बोली थी तो फिर से कल बनाएंगे, लेकिन अच्छा नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है। सो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना, ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं, उम्मीद छोटा सा प्यारा सा बतासा वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय 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 बाय।